उस अति विशाल वटवृक्ष के नीचे बहुत ही घनी छांव थी। ठंडे ठंडे उस वातावरण में पूर्ण नीरव शांति थी। अचानक ऊपर से कोई उल्टे लटकने लगे। देखते ही देखते तीन चार गोपालों के चेहरे पेड़ को उल्टे लटकते दिखाई दिए और जोर से हंसते हुए सब नीचे कूद भी गए। कृष्ण बलराम अपने साथियों के साथ झूला झूलने का खेल खेल रहे थे। पेंदिया के लिए उन्होंने दो जटे बांध के एक बढ़िया सा झूला बनाया था। खेल में बहुत रंगत आ रही थी, पर कृष्ण का ध्यान कहीं और था। दूर एक टूटा हुआ घर था जिसने उसका चित्त आकर्षित कर रखा था। धीमे से कृष्ण उस घर के पास पहुंचा। केवल तीन दीवारों पे वो टूटा घर खड़ा था। कृष्ण ने देखा कि अंदर दो नन्हे बच्चे रो रहे थे। उनकी माता उन्हें समझा रही थी। मेरे बेटो, अपनी गाय को वो भेड़िए उठा के ले गए। अब मैं तुम्हें दूध कहाँ से दूँ? मैं अभी आती हूँ, कहीं थोड़ा दूध मिलता है क्या, देखती हूँ। कृष्ण ने ये देखा, वो वहां से निकला और जाके सीधा नदी के पास वाले रास्ते पर खड़ा हो गया। वो ये जानता था कि यहां से गोकुल की ग्वालियां दूध दही और मक्खन से भरी गगरियां लेके मथुरा जाया करती हैं, और उतने में सामने से आने वाली गोपियों की टोली उसने देखी। चलो जल्दी जल्दी चलो, दूध दही और मक्खन भी बहुत है। अरे मक्खन तो मेरे पास भी है। हाँ हो, चलो चलो, ऐसा ना हो कि हमें देरी हो जाए। हाँ चलो रूपमती। रूपमती, गुणवती, चित्रावती और शुभमती जल्दी जल्दी मथुरा जा रही थी। सर पे रखी रंगीन गगरियां दूध और मक्खन से भरी दिखाई दे रही थी। कृष्ण को देखते ही वो रुक गई। क्यों किशन जी, आप यहाँ कैसे आ गए आज? अरे उसे चाहिए होगा मोफत का मक्खन, मोफत लाल कहीं का। सारी गोपिकाएं हंसने लगी। कृष्ण को थोड़ा गुस्सा भी आया। मुझे दूध चाहिए, दो छोटे बच्चे भूखे हैं, मुझे उनके लिए दूध चाहिए। मैं तुझे मक्खन कदापि नहीं दूंगी। मैं भी तुझे दूध नहीं दूंगी। एक बार कहा ना, दूध नहीं दूंगी। चलो चलो, हाँ चलो। आया बड़ा दूध मक्खन मांगने वाला, कहता है दो बच्चे भूखे हैं। इसकी तो ये आदत ही है। चलो चलो जल्दी। ये कहके हंसते हंसते सभी गोपिकाएं मथुरा के लिए रवाना हो गई। कृष्ण घर आया। यशोदा प्रांगण में बैठी थी। मैया, दो छोटे बच्चे भूखे हैं, मैं उन्हें दूध देने वाला था, पर रूपमती ने दूध नहीं दिया, क्या तुम मुझे एक लोटा दूध दोगी? यशोदा ने बड़े प्रेम से कृष्ण को देखा। अपने बेटे की मन की उदारता उसने जान ली और कोने में रखी हुई दूध मक्खन से भरी दो मटकियां कृष्ण के सामने रखी। उन दो छोटे बच्चों को पेट भर के दूध पीते हुए देख के कृष्ण बहुत ही आनंदित हुआ। बाद में सब इकट्ठा हुए। कृष्ण ने सबको अपनी योजना समझाई। सबने एक साथ हां कह दिया। रात हो गई। गोकुल की सड़कों से घरों के पीछे से कुछ परछाइयां जा रही थी। हां, कृष्ण और उसके साथी जो योजना उन्होंने तय की थी उसे वास्तव में लाने जा रहे थे। सब पहुंच गए सीधा रूपमती के घर के पास। रूपमती के दरवाजे की कुंडी कृष्ण ने आसानी से खोल दी। दरवाजा खोल के उसने अंदर झांका। सामने ही रूपमती सोई थी। उसके पड़ोस में उसका पति सोया था। वो बहुत जोर से खर्राटे भर रहा था। कृष्ण ने इधर उधर देखा और उसने देखा मक्खन से भरी मटकियां। एक एक करके उसकी सारी मटकियां खिड़की से बाहर खड़े अपने साथियों को दे दी और स्वयं धीरे से रूपमती के पास पहुंचा।
रूपमती को देखते ही कृष्ण को उसकी लंबी सी चोटी दिखाई दी। उसके पड़ोस में सोए उसके पति की बहुत लंबी दाढ़ी भी उसने देखी। मुंह दबा के वो जरा सा हंसा और काम करने लगा। काम पूरा होते ही अब भोर कब होती है इसकी प्रतीक्षा थी उसे। मुर्गे ने बांग दी तब भोर के कच्चे प्रकाश से रूपमती की आंखें खुली और वो उठने जा रही थी तो उसकी चोटी को जोरदार झटका लगा। चिल्लाती हुई वो नीचे गिर गई। वो फिर से उठने लगी तो उसका पति भी चिल्लाते हुए उठा। अरे 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 अजी, क्या जी, मेरी चोटी क्यों खींच रहे हैं आप? मेरी दाढ़ी क्यों खींच रही हो? देखिए मेरी चोटी। अरे मेरी दाढ़ी छोड़ पहले। चोटी छोड़िए मेरी। दाढ़ी चोटी दाढ़ी चोटी दाढ़ी चोटी। इन दोनों का ये शोर सुन के पड़ोसी भी खिड़की से झांकने लगे और पति पत्नी की ये बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। अब तक दिन ऊपर आ चुका था इसलिए रूपमती और उसका पति सब कुछ समझ गए। दोनों ने पहचाना ये निश्चित ही कृष्ण का पराक्रम होगा। अंत में दोनों नंद के घर की ओर जाने लगे। रास्ते में दोनों लोग इन दोनों को देखकर हंस रहे थे। परिसर में गड़बड़ी मची हुई थी और अंत में ये बारात नंद के घर के सामने पहुंची। नंद और यशोदे ने दूर से ही ये दृश्य देखा था। ये काम निश्चित कृष्ण का ही होगा ये वो दोनों बखूबी जानते थे। उन दोनों पति पत्नी की ये मजेदार हालत कृष्ण और बलराम एक बहुत बड़ी टोकरी में बैठ के छिप के देख रहे थे।